है गाइस, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बस इंटरेस्ट ही नहीं था और कुछ दिखाने लायक ही नहीं है, बस हॉस्टल से क्लास। तो आज सोचा मैं, काफ़ी दिन हो जा रहा है तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर ही देता हूँ, भले कुछ भी दिखे या ना दिखे, ब्लॉग को डालना ज़रूरी है। मतलब कुछ दिनों में व्यूज आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, बट डालना है। तो जस्ट आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो मैं छत के ऊपर हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन बैक कैमरा से एक बार और दिखा देता हूँ छत का व्यू। छत के ऊपर से कुछ इस तरह से है लोकेशन चारों तरफ का, और इधर सूर्य उग रहा है, अभी मॉर्निंग हो गया है। वर्कआउट भी नहीं किया हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं किया हूँ, अभी तो थोड़ा बहुत कर लूंगा। ये देखिए मेरे हॉस्टल का नजारा, अपना क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। और क्लास कंप्लीट करने के बाद जा रहा हूँ सीधा गांधी स्टेडियम, थोड़ा सा रनिंग करेंगे, तो मैं भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। चले चलते हैं, सीधा मिलते हैं गांधी स्टेडियम में। ये हम पहुंच गए गांधी स्टेडियम के गेट पे, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कितने लोग रनिंग कर रहे हैं और हम लोग भी करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितने लोग हैं। गाइस आज तो मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं आज आया हूँ जीन्स में, क्लास से सीधा वो आ रहा था सत्येंद्र, तो मैं सीधा आ गया। आज नहीं दौड़ूंगा, बस आज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लूँगा, यहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे, और बाकी लोग इधर देख सकते हैं। पता नहीं इन लोग किस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, बट स्ट्रेच कर रहे हैं शायद शरीर को। और इधर होता है क्रिकेट। चलिए मैं चलता हूँ अपने अड्डे में, और सत्येंद्र भी हो गया है उधर रेडी, अभी वो लगाएगा 2-3 राउंड। चड्डा पहना था नीचे, चड्डा पहन लिया है। तो ये रहा अपने लायक जुगाड़, यहीं हम लोग टाइम पास करेंगे उसके दौड़ते तक। और बगल में देख सकते हैं वॉलीबॉल प्रैक्टिस हो रहा है, वॉलीबॉल नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है। तो चलिए हम यहाँ करते हैं एक्सरसाइज, और इधर जा ही रहे हैं, मतलब टहल रहे हैं सब। तो है गाइस, अभी हम लोग का हो चुका है रनिंग वनिंग थोड़ा बहुत, मैं तो नहीं किया है, किए जा रहे रूम हॉस्टल। और देख सकते हैं पूरा नाइट हो चुका है, सब लाइटें वाइटें जल चुके हैं, और अभी जाते हैं हॉस्टल, फिर उसके बाद देखते हैं, भूख भी लग रहा है, कुछ खाएंगे। तो आज है नेक्स्ट डे, आज मैं फिर से हॉस्टल में हूँ, जा रहा हूँ दुकान सब्जी और मिर्च। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग नहीं हो पाता है गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि कंटेंट ही नहीं, क्या कंटेंट बनाएं, बस यही सब थोड़ा बहुत। चलिए चलते हैं फिर दुकान, फिर लेके आते हैं सब्जी और मिर्च। तो इस तरह से जाना पड़ता है हम लोग को दुकान, लेकिन अफसोस गाइस दुकान बंद है, लेकिन आगे में कब है, लेके आते हैं आगे वाला दुकान। तो गाइस मैं अभी दुकान गया तो था, लेकिन वहाँ पे देखे आप दुकान बंद था, तो इस वाले रूम से मेरा दोस्त ही है, वहाँ से मिर्च ले आया हूँ 5। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं बड़ी सब्जी। आलू तो मिला नहीं, दुकान ही बंद था तो कहाँ से मिलेगा। अभी थका चुके हैं देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग बनाते हैं सब्जी जल्दी से, मिर्चा मिल गया है। तो बन गया मेरा बड़ी सब्जी, ये देख सकते हैं, और दाल। तो चलिए फिनिश करते हैं, फिर जाएंगे नहाने धोने, फिर जाएंगे क्लास। तो गाइस यहाँ इस जगह को देख सकते हो आप लोग, सरगुजा जिला का जितना भी वोट हुआ है हर वो चीज़ में, तो यहाँ पे होगा उसका रिजल्ट, तैयारी हो चुका है पूरा, एकदम पैक कर चुके हैं, नाका वाका लग गया है, तो यहीं पे होगा अनाउंसमेंट कि कौन जीता।
देखते हैं कौन जीतता है। फिलहाल तो जा रहे हैं अभी हम लोग क्लास, तो आ गया हूँ गाइस मैं क्लास करके। तो जैसा कि आपको पता होगा सुबह मेरे को सब्जी नहीं मिला था, दुकान बंद था, तो अभी हम लोग जाएंगे दुकान कुछ सब्जी खरीदने और मिर्च खरीदने। तो जस्ट आ रहा हूँ, रूम ले जाऊँगा, सीधा चलते हैं गाड़ी लेके सब्जी लेने। चलिए बने रहिए। तो गाइस जैसे कि मैं गाड़ी निकाल के जा रहा था, आप लोग देखे होंगे, उसके बाद मेरे को लगा बहुत जैसे ठंडा खतरनाक वाला, मैं भी आ चुका हूँ स्वेटर पहनने। तो स्वेटर पहनते हैं उसके बाद जाएंगे, क्या है कि ठंडा बहुत है बाहर। चलिए स्वेटर पहनते फिर चलते हैं। गाइस बस यहीं आए थे थोड़ा सा देखने, बस स्टैंड भीड़ भाड़, बस अपना यही दिनचर्या है। घूमने का मन करे तो बस स्टैंड आ जाओ, भीड़ भाड़ देखो, फिर वापस चल जाओ हॉस्टल। अभी तो सब्जी खरीदने के वो चीज़ से आए हैं, लेकिन थोड़ा सा बोला घूम लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, सब्जी खरीदते हैं और फिर चलते हैं हॉस्टल।